हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल अंदर ऑलराउंडर। और यहाँ पे मैं ना बना रही हूँ अब पे, तो मैंने व्लॉगिंग की स्टार्ट कर दी। ये संडे की मॉर्निंग का था, बस इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। फिर एकदम डायरेक्ट मैं शाम को, मतलब दूसरे दिन मंडे को शाम को 4 बजे से ये आपको व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी मैंने। तो यहाँ पे मैंने ये चाय से स्टार्ट कर दी है, और चाय में यहाँ पे मैं 2 कप दूध और एक कप पानी डाल रही हूँ, ये देखिए। और इसके बाद फिर मैं है ना चाय पत्ती और शक्कर, और ये मुझे बता रहे थे कि ऐसे डालो वैसे डालो, इलायची डालो। जैसे मुझे है ना, जैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इस टाइप के मैं नींद से उठी थी और ये नहा रहे थे, तो मैं आज चाय बना रही थी। ये देखिए, हमेशा तो वही बनाते हैं, लेकिन आज मैं बना रही थी। डिंकी बना लेती है या फिर वही बना लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम मेरे कस्टमर रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे थे इलायची डालो और अदरक डालो और चाय पत्ती अच्छी डालो, और ये सब बता रहे थे। तो मैं बोल रही थी हाँ, फिर आप ही क्यों नहीं करते। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अदरक वगैरह सब डाल दी और चाय बना ली हूँ मज़ेदार इलायची वाली, बहुत टेस्टी, क्योंकि शाम का समय। और बोल रही डिंकी के और अदरक डालो, तो फिर मैं और अदरक डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आपको मोबाइल थोड़ा सा हिलता डुलता दिख रहा होगा, तो डिंकी ने, मैं ट्राईपॉड में नहीं लगाई थी, डिंकी के हाथ में देख दी। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। और अभी मैं बना रही हूँ, मैंने अभी बनाई चाय, चाय पक रही है, तो मैं सोची कि चलो आपके साथ थोड़ी सी बात कर लिया जाए। तो अभी बज गए हैं 4 और अभी चाय पक जाएगी। इलायची वाली चाय का टेस्ट, इलायची और अदरक और थोड़ा सा चाय का मसाला, और मज़ा आ जाएगी चाय में। तो कभी कभी होता है मन मसाले वाली चाय पीने की, और हम तो अदरक डेली की पीते हैं। और डिंकी परी के पेपर चल रहे हैं, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैं चाय छानूंगी, अच्छी खासी चाय, और आप भी आ जाइएगा चाय पीने के लिए। तो पक रही तो मैं सोचा कि चलो बात कर लेती हूँ। डिंकी हो रही इधर की उधर, चाय ले आना डिंकी। हाँ, तो डिंकी को बताइए, अभी मैंने डाल दिया है, पकने देंगे। और सिद्धार्थ जी अभी बात ले रहे हैं, क्योंकि वो जब जॉब ड्यूटी से आते हैं ना 4 बजे, तो वो नहा के फिर चाय वाय पीते हैं। वो भी वही बनाते हैं चाय, लेकिन आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं है ना शाम का समय था, चाय पी गई थी, और आज मौसम मतलब खुला खुला था, थोड़ा सा बीच में बारिश आई थी, लेकिन धूप छाव खेल रहा था। तो मैं ये जो बबुल का पेड़ है ना, जो कांटे वाला हुआ, उसकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी ये इसको देखो कितनी कांटे भरी फिर भी खड़ा है, वैसी मेरी भी ज़िंदगी है। तो मैं सिद्धार्थ जी से बात कर रही थी कि ये ऐसी मेरी भी ज़िंदगी है, देखो कांटे भरी हम लोगों की, कि कितनी कांटे भरी, मतलब सरल रास्ता बिल्कुल मिलता ही नहीं, हर जगह कांटे कांटे, और पता नहीं बिल्कुल मतलब कैसे आगे बढ़े, कैसे ये करे। तो जब भी मतलब बचपन से लेके और सब जगह पे कांटे भरी ज़िंदगी मिली है, और ऐसे बोल रही थी मैं और हाथ पैर रही थी, ये मतलब ऐसी ही मेरी इनको बता रही थी। उसके बाद ये बोलते हैं कि थोड़ी तू है ना मोटी हो रही है, तो उन्होंने आई ने मेरे को ये रस्सी है ना कपड़े जैसे सुखाने के लिए बना दी थी ये रस्सी। तो मैं सोची कि चलो मैं है ना यहाँ पे है ना अच्छे से ये कर लेती हूँ, क्या बोलते हैं। फिर ये रात नाइट का डिनर का है, तो आज है ना ये मैं मतलब ये भी बोल रहे थे कि आज है बिल्कुल सिंपल सा खाना बना, कढ़ी था तो कढ़ी के साथ पुलाव। तो ये बोल रहे आज मैं बनाऊंगा और मैं खिलाऊंगा कि कैसे बनाते हैं पुलाव। तो ये यहाँ पे ये पुलाव गोभी आलू मटर, ये सब मटर नहीं, गोभी आलू और अदरक लहसुन का ये सब डाल के नीचे बैठ के मज़ा से हलवाई जैसे बना रहे हैं। बोल रहे कि आज मैं हलवाई जैसे बना के खिलाता हूँ, हल्का फुल्का मस्त है। और मैं इधर कढ़ी बघार रही थी, और फिर रोटी भी 2-3 डाली थी मैंने। तो यहाँ पर मसाला, तो मैंने कहा चलो अब मैं आपका वीडियो ही बना लेती हूँ, ताकि दिखे लोगों को कि नहीं आप भी खाना बना सकते हो। तो ये पूरा गारा खाना बनाते, उसके बाद फिर मैं कुछ मतलब अपना नाइट रूटीन। तो यहाँ पे मेरे स्किन है ना थोड़ी डल डल सी आपको दिख रही है, थोड़ा धूप से मतलब निकलने से थोड़ा सा मेरा शायद पिगमेंटेशन बढ़ गए। और तो यहाँ पे मैं है ना ऑरेंज यूवर युद्ध का ऑरेंज पील ऑफ मार्क्स और कॉफ़ी मार्क्स ये मिला के कर रही हूँ। इस तरह आप करोगे ना तो आपके पूरे डार्क सर्कल जो भी है, डेली अगर 2-3 दिन के बाद आप ये मास्क लगाओगे, इसमें है ना आप कॉफ़ी पैक डाल के, तो आपकी स्किन इतनी निकल की जाएगी। तो यहाँ पे मैं 2 पैकेट कॉफ़ी पैक डाल रही हूँ,
और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला रही हूँ, उसके बाद सीरम मिला के फिर ये पैक, ये पीलिंग पैक तैयार करूँगी। और फिर मैं कैसे लगाती हूँ तो ये आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं है ना ये सब करके फिर चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और कॉफ़ी ये देखिए आपको मेरा स्किन दिख रहा है ना थोड़ा जला जला टाइप का, क्योंकि अभी मुझे बाहर निकलना डिंकी परी को लाना बहुत थकान सी हो जाती, नींद भी नहीं होती है उस चक्कर में। और मैं फेशियल भी बहुत ही कम करती हूँ, बहुत कम, मतलब जब भी समय मिले फुल फेशियल खुद से नहीं, जितना अच्छा बनता है वैसे दूसरों के हाथ से बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखिए पार्लर में भी नहीं जाती मैं, तो यहाँ पे मैं खुद ही कर रही हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे थोड़े से दो चार बूंद है ना मैं सीरम के डाल दूँगी, उससे क्या है फेस को एकदम ये आ जाएगा, चमक आ जाएगी। तो ये देखिए इस टाइप का मैं, तो यहाँ पे फिर ये देखिए फिर बन गया। और यहाँ पे मैं अपना फेस थोड़ा क्लीन कर लूँगी क्लींजिंग मिल्क से, और उसके बाद फिर मैं ये मास्क लगा लूँगी। और ये 10-15 मिनट जब तक सूखे नहीं तब तक आपको रखना है मतलब अच्छे से। और ये पूरा पूरा मास्क ही निकलता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना हेयर में नहीं लगे करके, क्योंकि ये इससे हेयर भी निकलते हैं ना, ये एकदम पीलिंग मास्क है ये। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने ना ऊपर से डायरेक्शन ऊपर की दिशा में ले जाना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लगा रही हूँ ऊपर की दिशा में। और ये आपको जब तक सूखना है, वैसे कॉफ़ी पैक तो बहुत ही मतलब ये रहता है, और मैं बता रही हूँ कि 10-15 मिनट आप रखो। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है, और मैं फिर उसके बाद हो गए थे मेरा सूख गया था, तो मैं ऊपर से निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना अपने हेयर नहीं निकलना है। अगर मतलब एक बात है कि ऊपर जिनके मतलब जिनको ज़्यादा फेस में हेयर रिमूव करना है तो आप है ना नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में निकाल सकते हो। मुझे अपने मेरे फेस में उतने हेयर नहीं है, तो मैं है ना ऊपर से निकाल रही हूँ, उससे क्या होते हैं हेयर नहीं निकलेंगे। और नीचे से आपको ऊपर के डायरेक्शन में निकलना है तो आपके हेयर निकल जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान, आपने मेरा कैसे दिख रहा है, मतलब मैंने अभी जो कॉफी पीलिंग पैक लगाया था उसमें है ना मैंने योर की पीलिंग ऑरेंज वाली डाली थी, मैंने ऑरेंज पील ऑफ मास्क डाला था, जो मैंने कॉफी पील ऑफ मास्क बनाया था तो ये डाला था। बहुत अच्छा मतलब इसका रिजल्ट है, रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप मतलब दो दिन के बाद भी लगाओ ना तो आपके फेस की आ सकती है, जैसे ये टैनिंग है और जो झहिया है, जो पिगमेंटेशन है, वो सब निकाल के देता है। तो मैंने यहाँ पे लगाई है, तो मेरा है ना बहुत डल डल सा फेस लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ कॉपी पे। उसमें पील ऑफ मास्क डालोगे ना, और यूरिन का पीलिंग ऑफ मास्क, सॉरी बोलने में ये तकलीफ हो रही है क्योंकि छाला है यहाँ पे मुझे अंदर, तो बोलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो बहुत ये आएगा, और उसके बाद ये नाइट में लगाइएगा, दूसरे दिन आप रिजल्ट देख सकते हो। तो अभी मैं ये लगाई हूँ, और इसके बाद फिर मैं अभी एलोवेरा जेल लगा लूँगी, और फिर मैं सुबह मतलब मॉर्निंग में बहुत अच्छा खिला खिला फेस आता है। तो मैं कुछ भी फेशियल वगैरह करती हूँ मैं नाइट में करती हूँ, क्योंकि फिर वो क्रीम है ना अब्जॉर्ब अच्छी हो जाती है फेस पे, तो सेकंड डे ना इतना मतलब चमक आ जाता है। तो मैं कभी भी फेशियल भी करती हूँ तो नाइट में करती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो भी एंड करती हूँ, और बस थोड़ा आगे ले जाइए ये विनती करती हूँ, क्योंकि ज़रूरत है इसीलिए, नहीं तो कुछ ये नहीं रहता। तो फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।